Good morning, kids. Welcome to maths class. Now today's chapter is chapter 12, that is time. तो time आपको देखना आता है क्या? आता है time देखना? चलो देखते हैं. अगर नहीं आता है तो सीखते हैं और अगर आता है तो revise कर लेते हैं. Okay. क्या दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे? Clock दिख रही है? Yes. Clock. अब clock में जो ये छोटा वाला दिख रहा है, छोटा hand, ये R hand होता है. Small hand दिख रहा है आपको? ये है R hand. और ये जो थोड़ा सा बड़ा है ये कौन सा है? मिनट हैंड है. ठीक है, ये मिनट हैंड है. जब ये मिनट ये एक पूरा ऐसे सर्कल कंप्लीट करके वापस से 12 पे आ जाएगा तो 1 मिनट हो जाएंगे. क्या हो जाएगा? 1 मिनट. ठीक है, अब ये छोटा वाला हैंड यानी कि आर हैंड, इसको हम बोलते हैं घंटे वाला हैंड. ठीक है, ये घंटे का होता है और ये मिनट का होता है. तो आर हैंड जो है वो 3 पे है अभी. तो अभी टाइम क्या हो रहा है बेटा इस वॉच में? 3 o'clock. ठीक है, अभी क्या हो रहा है? 3 o'clock. जब ये 3 ऐसे यहाँ से चल के जब यहाँ 4 के पास आ जाएगा, 4 पे आ जाएगा, तो क्या बच जाएगा? तो समय क्या होगा? 4 हो जाएगा. ये 5 पे आएगा तो 5, 6 पे, 6, 7 ऐसा. ठीक है बेटा, क्लॉक में यहाँ पे हमें 12 डिवीज़न दिखाई दे रहे हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ये कौन से डिवीज़न है? ये 12 बिग डिवीज़न्स हैं. और इनके बीच में ये दिख रहा है आपको, ये इनके बीच में ये छोटे छोटे स्मॉल डिवीज़न है. 2 से 3 के बीच में ये स्मॉल डिवीज़न, ये जो दिख रहा है ये स्मॉल डिवीज़न है. तो इच बिग डिवीज़न हैज़ 5 स्मॉल डिवीज़न्स. ये एक बिग डिवीज़न में, ये एक बड़े से डिवीज़न में, सब में क्या है? 5 स्मॉल डिवीज़न्स हैं. अब आपको पता है क्लॉक देखने के लिए यानी कि टाइम देखने के लिए हमें 5 की टेबल आना बहुत ज़रूरी है. क्यों ज़रूरी है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर एक बड़े डिवीज़न में ये जो छोटे छोटे हैं ना, ये यहाँ पर स्मॉल डिवीज़न है. कितने हैं वो? 5 हैं. एक बिग डिवीज़न में 5 स्मॉल डिवीज़न है. तो अगर 5 पे है, 1 पे है, तो क्या उसको रीड करेंगे हम? अभी तो इस वॉच में क्या टाइम हो रहा है? 3. क्या टाइम हो रहा है अभी? तो 3 o'clock हो रही है. ठीक है, लेकिन अगर ये 12 से ये मिनट हैंड अगर 1 पे आ जाता है, 1 पे आ जाता है, तो हम उसको क्या रीड करेंगे? 3:05. ठीक है, और अगर 2 पे आ जाता है तो 10 मिनट, 3 पे आ जाता है तो 15 मिनट. 5-5 की टेबल हम इसमें देख रहे हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5-5 डिवीज़न होते हैं. हर एक डिवीज़न में, हर एक बड़े डिवीज़न में 5 स्मॉल डिवीज़न होते हैं, इसलिए 5 की टेबल से वॉच को देखा जाता है. ठीक है, अगर 1 पे है तो 5:05 होती है, 3:05. फिर अगर 2 पे है तो 3:10. फिर 4 पे है तो 4:15. तो 5 की टेबल से हम क्लॉक को रीड करते हैं. और क्यों करते हैं? 5 से ही क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि ये जो 12 डिवीज़न हैं बड़े वाले, उसके बीच में हर एक डिवीज़न के में कितने हैं? स्मॉल डिवीज़न 5 हैं. तो इसलिए हम 5 की टेबल से ही क्लॉक को रीड करते हैं. ठीक है, अब ये जो आर हैंड है 3 से 4 पे आएगा तो 1 आवर कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, ये 3 से 4 पे आएगा तो 1 आवर कंप्लीट हो जाएगा. आर हैंड टेक्स 1 आवर टू मूव फ्रॉम 1 बिग डिवीज़न टू द नेक्स्ट बिग डिवीज़न. ये 3 एक डिवीज़न है, ये 4 एक डिवीज़न है. तो 3 से 4 में आने के लिए 1 आवर, अगर 3 से जब ये 4 बड़े डिवीज़न पे आता है तो ये क्या टाइम हो जाएगा? 4 o'clock हो जाएगा. ठीक है, फिर 4 से 5 पे आएगा 6, 7, 8, 9. तो पूरा एक राउंड कंप्लीट करने में इस छोटे वाले हैंड को, आर हैंड को, जो आर हैंड है, इसको कितना समय लगेगा? 12 आवर्स, क्योंकि हर एक घंटे में वो एक डिवीज़न क्रॉस कर रहा है. अभी 3 पे है, फिर एक घंटे बाद 4 पे हो जाएगा. तो इस तरह से क्या कर रहा है? ये जो बड़े डिवीज़न है ना, इसको क्रॉस कर रहा है. और कितना समय लगेगा इसको पूरा एक राउंड करने में? अभी तो ये 3 पे है, फिर वापस से इधर उधर, वापस से 3 पे आने में उसको कितना समय लगेगा? पूरे 12 आवर्स लगेंगे. क्यों? क्योंकि देखो यहाँ से स्टार्ट किया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. तो टोटल कितने वापस आने में कितना समय लग रहा है? 12 आवर्स लग रहे हैं, क्योंकि 3 से तो हमने स्टार्ट ही किया था. तो यहाँ तक आने पर, 2 तक आने में कितना समय लग रहा है उसको? 12 आवर्स लग रहा है. नाउ अब मिनट हैंड, मिनट हैंड क्या होता है? 1 मिनट हैड टेक्स 1 मिनट
टू मूव फ्रॉम वन स्मॉल डिवीज़न टू द नेक्स्ट स्मॉल डिवीज़न. ये आपको स्मॉल डिवीज़न दिखाई दे रहे हैं, दिख रहे हैं यहाँ पे है. फिर जो स्मॉल डिवीज़न दिखाई दे रहा है बेटा, वन से ही दिख रहा है ये, बिल्कुल आपके वॉच में, आपके वॉच में देखो, वन टू थ्री फोर फाइव, ये स्मॉल डिवीज़न दिखाई दे रहा है आपको. तो यहाँ से यहाँ आने में जो समय लगता है वो मिनट में लगता है, ठीक है. तो एक मिनट का समय लेता है वो, ये इस डिवीज़न से, ये स्मॉल डिवीज़न को क्रॉस करने में छोटा सा, तो एक मिनट आपके कंप्लीट हो जाते हैं. नाउ इट टेक्स ऑल्सो, और यहाँ से लेकर के यहाँ आने में, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ इस मिनट हैंड को, मिनट हैंड को अभी कहाँ है, 12 पे है, तो चलो 1 पे आने में कितना समय लगेगा उसको, 1 पे आने में उसको 5 मिनट लगेंगे. कितने मिनट लगेंगे, टोटल 5 मिनट्स लगेंगे. क्यों, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5, 5 को क्रॉस, 5 डिवीज़न को, ये छोटे स्मॉल डिवीज़न को क्रॉस करेगा तब तो वो 1 पे आएगा. तो कितना टाइम हो जाएगा, 3 5, यानी कि 3:05 हो जाएंगे. फिर 2 पे आ जाएगा तो 10 मिनट्स, क्योंकि 5 5 का है ना यहाँ पे गेपिंग, यहाँ पे डिवीज़न जो है वो कितना का है, 5 5 का है. तो यहाँ से 5, फिर यहाँ से 5, फिर 5, फिर 5, तो 5 5 की टेबल से करते हुए हम ऐसे क्लॉक देखते हैं. ओके, आपको यहाँ पे ये वॉच दिखाई दे रही है, दिख रही है. तो देखो यहाँ पे 1 पे आए तो 5 मिनट्स हो गए, फिर 2 पे तो 10 मिनट्स, तो ये अभी कहाँ है, 12 पे है. ये 12 से 1 पे आ जाएगा तो कितने मिनट हो जाएंगे, 5 मिनट्स हो जाएंगे. फिर यहाँ से यहाँ आ जाएगा तो कितने हो जाएंगे, 10. फिर यहाँ तो 15, 15:15, ठीक है. फिर 4 पे आए तो 20, यहाँ आए तो 25, 30, 35, 40, 1:45, देन 50, 55 मिनट्स, और ये 60 मिनट्स, यहाँ आएंगे तो 60 मिनट्स कंप्लीट हो जाएंगे. यानी कि 1 आवर में, 1 आवर में कितने मिनट्स होंगे, 60 मिनट्स होंगे. 1 आवर में 60 मिनट्स होंगे. बेटा ये जो मिनट हैंड है, 12 पे है, 1 पे आने में इसको कितना समय लगेगा, 5 मिनट्स लगेंगे, ठीक है. कितने लगेंगे, 5 मिनट्स. फिर 2 पे आने पे फिर 5 मिनट्स, तो टोटल कितने हो गए, 10 मिनट्स हो गए. तो ये जो 12 पे है, जो एक राउंड पूरा कंप्लीट करेगा, तो उसको कितने मिनट हो जाएंगे, 60 मिनट, मीन्स 1 आवर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, 1 आवर कंप्लीट हो जाएगा. और ये जो 3 पे है वो कहाँ जाएगा, 4 पे आ जाएगा. अगर ये वाला हैंड मूव करेगा तो ये भी तो हैंड मूव करेगा ना, दोनों एक साथ मूव करेंगे. अगर ये 3 पे है और ये 12 पे है, तो ये पूरा मूव करेगा, एक बार पूरा मूव करेगा मिनट हैंड, मिनट हैंड, तो कितने हो जाएंगे, 1 आवर हो जाएंगे. और जो 3 पे है वो कहाँ आ जाएगा, स्मॉल हैंड कहाँ आ जाएगा, 4 पे आ जाएगा, यानी कि 1 आवर कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है. चलो अब टाइम देखते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा. और तो आपको ये दिखाई दे रहा है, 5 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, कैसे देखना है, यहाँ पे देखना है. देखो 1 पे है तो 5 मिनट हो रहे हैं, 2 पे है तो 10 मिनट्स, 3 पे है तो 15 मिनट्स, फिर 4 पे है तो 20 मिनट्स. ये वाला, ये जो मिनट हैंड दिखाई दे रहा है ना, तो मिनट हैंड की बात हो रही है अभी हम पे, 20, ये 5 पे तो 25 दिख रहा है आपको. 5 की टेबल ही आपको इसमें बोलनी है, वॉच देखने के लिए आपको 5 की टेबल आना ज़रूरी है. नाउ अब 15 मिनट को हम क्या बोलते हैं, 15:15 बोलते हैं, ठीक है. अगर ये यहाँ पर आ गया, मिनट वाला हैंड यहाँ आ गया, ठीक है, और 3 वाला भी यहीं है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, 3:15, यानी कि 3:15 हो गए. 3:15 मीन्स, 15 आपको पता होना चाहिए, 3:15, 3:15 मीन्स 3:15 हो चुके हैं. फिर 30 मिनट, यानी कि 30, जब आपके 30 मिनट्स हो जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं 30 मिनट, आधा घंटा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, 30:30, आधा समय निकल गया है ना, तो 3:30 मीन्स 3:30 को हम क्या बोलते हैं, 3:30. नाउ 2:15, अब 2:15 यानी कि क्या बजने वाला है, अब 45 मिनट्स है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, 4:15, क्योंकि 4 बजने वाली है, ठीक है. अभी तो 3 है, फिर ये यहाँ पर अगर ये जो 12 पे है ये यहाँ 9 पे आ जाता है, तो क्या हो जाएगा, 4:15 मीन्स 4 बजने वाली है, ठीक है. तो चलो अब 12.1 देखते हैं, इसमें क्या है. फर्स्ट वन, एन आर हैंड टेक्स -r टू मूव फ्रॉम नंबर 3 to 8. आर हैंड कौन सा बेटा, ये छोटा वाला, ठीक है. अब हमसे ये पूछ रहे हैं कि ये कितने आर्स लेगा, मतलब ये वाला हैंड कितने आर्स ले रहा है नंबर 3 से 8 पे जाने के लिए. तो कितने हो रहे हैं,
वन, देखो कितने काउंट करो कितने हो रहे हैं, थ्री से एट पे जाना है हमें। तो थ्री से हमें एट में आने में कितना समय लग रहा है, थ्री पे तो है ऑलरेडी, यहाँ आए वन टू थ्री फोर फाइव, यानी कि फाइव आवर लग रहे हैं। थ्री से फोर पे आए वन, फोर से फाइव पे टू, फाइव टू सिक्स थ्री, सिक्स टू सेवन, सिक्स टू सेवन कितना हो जाएगा फोर, और सेवन टू एट कितना हो गया फाइव हो गया, मीन्स फाइव आवर्स हो गए। तो यहाँ से यहाँ आने में कितना समय लग रहा है, फाइव आवर्स लग रहे हैं, ठीक है। नाउ अ मिनट हैंड, अ मिनट हैंड मीन्स ये वाला हैंड जो थोड़ा बड़ा वाला है मिनट हैंड। तो मिनट हैंड क्या पूछ रहे हैं कि अ मिनट हैंड टेक्स डैश मिनट टू मूव फ्रॉम नंबर फाइव टू नंबर इलेवन। अ मिनट हैंड कितने मिनट ले रहा है फाइव से इलेवन पे आने में, फाइव फाइव का है यहाँ, तो यहाँ से इलेवन पे जाने में कितने मिनट ले रहा है देखते हैं, मिनट में बताना है आपको, ठीक है। तो यहाँ से वहाँ जाने में तो फाइव पे तो ऑलरेडी है, ठीक है, हम सिक्स से काउंट करते हैं, फाइव से सिक्स में आए फाइव मिनट्स, यहाँ से यहाँ गए फाइव मिनट्स, सेवन से एट पे गए फाइव मिनट्स, एट से नाइन पे गए फाइव मिनट्स, नाइन टू टेन गए फाइव मिनट्स, अब टेन से इलेवन आए फाइव मिनट्स, तो कितने हो गए हमारे पास, फाइव वन ज़ा फाइव, फाइव टू ज़ा टेन, फिफ्टीन, ट्वेंटी, ट्वेंटी फाइव और थर्टी, यानी कि टोटल कितने मिनट्स ले रहे हैं वो थर्टी मिनट्स ले रहे हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब है मिनट, मिनट हैंड की बात हो रही है कि सेवन से फोर में आने में कितना समय ले रहे हैं, सेवन से फोर पे आना है, ठीक है, सेवन से फोर पे आना है, ये है सेवन, और सेवन से कहाँ आना है हमें, सॉरी टेन से बेटा फोर पे आना है, टेन से फोर पे आना है, कहाँ है टेन, ये रहा टेन, अब टेन से मिनट वाले हैंड को कहाँ आना है, फोर पे आना है, तो काउंट करो और देखो कितने मिनट आ रहे हैं, तो वो आपको यहाँ लिखना है, अब ये दो बाकी के आपको करना है, बुक में ही करना, ठीक है, काउंट करना है और मिनट है तो मिनट और आर है तो आर लिखना है, ठीक। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू रीड द क्लॉक टू फाइंड द टाइम इन आवर्स एंड मिनट। अब क्लॉक कैसे देखते हैं वो देखते हैं हम, क्लॉक देखना तो आ गया आपको, पढ़ना आ गया, रीड करना आ गया, अब टाइम को बोलते कैसे हैं वो देखते हैं हम। तो इस क्लॉक में बेटा टाइम क्या हो रहा है अभी, टाइम टू, स्मॉल हैंड कहाँ है, टू और थ्री के बीच में है, मीन्स टू को क्रॉस कर चुका है और थ्री पे आने वाला है, तो क्या टाइम हो रहा है अभी, तो टू ही बज रही है क्योंकि थ्री पे तो वो पूरा आया नहीं है, तो अभी टू ओ क्लॉक हो रही है। लेकिन मिनट हैंड कहाँ है, अब ये देखो मिनट हैंड एट पे है, मीन्स फाइव एट ज़ा, फाइव एट ज़ा फोर्टी, फाइव एट ज़ा कितना होता है फोर्टी, मीन्स टू फोर्टी, टू फोर्टी हो रहे हैं इसका मतलब, तो उसको हम रीड क्या करेंगे, फोर्टी मिनट्स, देखो फोर्टी मिनट्स पास्ट टू, मीन्स दो बज के फोर्टी मिनट्स, दो बज के कितने मिनट हो गए, चालीस मिनट्स हो गए, चालीस मिनट, तो क्या बोल रहे हैं हमको, फोर्टी मिनट्स, फोर्टी मिनट्स पास्ट टू, यानी कि दो बज के कितना टाइम हो गया, फोर्टी मिनट्स। हम इसको रीड कैसे कर रहे हैं, पहले जितने मिनट्स हुए उतने मिनट्स बोलने हैं, उसके बाद क्या पास कर लिया है, टू को पास किया है उसने, पास्ट टू मतलब दो बज गई है ना, तो पास्ट टू, फोर्टी मिनट्स पास्ट टू, ओके। अब इसी टाइम को हम एक और कैसे रीड कर सकते हैं, एक और कैसे बता सकते हैं, अगेन फिर से वही टाइम हो रहा है, अब इसको क्या रीड कर रहे हैं हम, ट्वेंटी मिनट्स टू थ्री, ट्वेंटी मिनट्स टू थ्री मीन्स थ्री बजने में अभी ट्वेंटी मिनट्स हैं, फाइव टेन फिफ्टीन और ट्वेंटी मीन्स थ्री बजने में, अभी तीन बजने में बीस मिनट बाकी हैं, तो उसको कैसे बोलेंगे हम, ट्वेंटी मिनट्स टू थ्री, ठीक है, मीन्स थ्री बजने में 20 मिनट्स बाकी हैं, और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं हम, 40 मिनट्स पास्ट टू, है ना इंटरेस्टिंग। तो अगर हमको ऐसे टाइम बोलना है तो कितना अच्छा लगेगा, लगेगा, तो देखो यहाँ पे टू बज चुकी है, तो हमने मिनट्स को लिया कि 40 मिनट्स पास्ट टू, यानी कि दो बज करके, बेटा इसमें क्या है, दो बज चुकी है 40 मिनट, ठीक है, 40 मिनट हो गए हैं, यहाँ पर भी हम टाइम को बोल रहे हैं, क्या है इसमें, तीन बजने वाली है और उसमें क्या है, 20 मिनट्स बाकी हैं, तो 20 टू 3 मीन्स 20 मिनट बाकी है, क्या क्या होने में, 3 बजने में, 3 ओ क्लॉक होने में, तो चाहे तो आप टाइम को ऐसे बोल सकते हो, चाहे तो आप ऐसे बोल सकते हो, पहले मिनट आ गया, पहले जितना मिनट है उतना मिनट बोल लो, और जो बज गया है पास्ट, पास्ट आ जाएगा, ठीक है,
और जो बजने वाला है, जो टाइम होने वाला है, उसके लिए क्या आ जाएगा? टू, टू और फिर ये थ्री। चलो आगे हम अभी टाइमिंग लिखेंगे तो फिर देखते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, टाइम क्या हो रहा है, फोर। स्मॉल हैंड कहाँ है, यानी कि आर हैंड फोर पे है, और मिनट हैंड कहाँ है, वन पे है, मीन्स फाइव, फाइव मिनट पे है। तो हम क्या बोल रहे हैं, फोर और फाइव मिनट्स। तो इसको कैसे बोलेंगे, फोर मिनट्स, पहले मिनट वाला आएगा, फोर मिनट पास्ट फोर, पास्ट फोर, क्यों, क्योंकि फोर पास्ट फोर, चार बज के पाँच मिनट हो चुके हैं ना। नेक्स्ट है, अब कितने मिनट हुए हैं, तो पहले मिनट, चलो पहले समय लिख लेते हैं हम, फोर फोर टेन, क्या टाइम हो रहा है इसमें, फोर टेन हो रहा है, तो पहले तो मिनट आ जाएगा, तो मिनट कितने हो रहे हैं, टेन मिनट्स, टेन मिनट्स, और पास्ट, पास्ट कितने हो, फोर, मीन्स चार बज के टेन मिनट्स हो गए हैं। और इसको एक और क्या बोल सकते हैं बेटा, एक और टाइम अगर हम इसमें बोलें तो हम क्या बोलेंगे, टेन मिनट्स टू, तो यहाँ आ जाएगा बेटा टेन नहीं, फिफ्टी मिनट आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, फिफ्टी मिनट टू फाइव, ठीक है, यानी कि फिफ्टी मिनट्स टू फाइव, फाइव बजने में, यहाँ पे पाँच बजने में फिफ्टी मिनट्स अभी बाकी हैं। तो एक ही टाइम को आप दो वे में बोल सकते हो, ऐसे भी बोल सकते हो और ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट टाइम देखते हैं हम, एक और ये वाला देख लेते हैं, ठीक है, एफ वाला। इसमें टाइम क्या हो रहा है बेटा, चार और पाँच, फोर और फाइव के बीच में है, मीन्स फोर तो बज गई है लेकिन फाइव नहीं बजी है, तो फोर, और समय क्या हो रहा है, सिक्स पे है मिनट हैंड, तो मीन्स थर्टी, क्यों, क्योंकि फाइव सिक्स, फाइव सिक्स कितना होता है, थर्टी, सेवन पे होता तो थर्टी फाइव, तो अभी टाइम क्या हो रहा है हमारे पास, फोर थर्टी हो रहा है, तो फोर थर्टी को हम क्या बोलेंगे, थर्टी मिनट्स, और थर्टी मिनट्स और क्या बोलेंगे, पास्ट फोर, यानी कि फोर बज के थर्टी मिनट्स हो चुके हैं। और एक और टाइम क्या होगा इसका, इसका एक और टाइम होगा थर्टी मिनट्स टू, थर्टी मिनट्स टू फाइव, मीन्स फाइव बजने में अभी थर्टी मिनट्स बाकी है, तो इस ऐसे भी हो गया। तो आपको क्या करना है, ये दोनों टाइम यहाँ पर लिखना है, इसमें भी लिखना है, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 55 मिनट्स, 55 मिनट्स टू फाइव, यानी कि पाँच बजने में अभी 55 मिनट्स बाकी हैं। तो ये क्लॉक को आपको दोनों वे में लिखना है, ऐसे भी लिखना है और ऐसे भी लिखना है, पास्ट में भी लिखना है और टू में भी लिखना है, गॉट इट। तो अब ये तो आप कर लोगे, तो ये पेंसिल से बुक में ही लिखना है। नाउ हियर सेकंड वन, मैच द फॉलोइंग क्लॉक्स टू द टाइम। अब टाइम किस में क्या हो रहा है, ये देखो फर्स्ट वाली वॉच में, इसमें क्या टाइम हो रहा है, नौ बज रहे हैं, तो नौ कहाँ है, नौ यानी कि नाइन, सॉरी नौ नहीं, ट्वेल्व बजने वाली है, ठीक है। स्मॉल हैंड ये रहा, और ये है मिनट हैंड, ये है आर हैंड, ये है मिनट हैंड, तो बेटा क्या टाइम हो रहा है इसमें, ट्वेल्व बजने वाली है, ट्वेल्व बजी नहीं है, तो ये टाइम हो रहा है इलेवन, इलेवन फोर्टी फाइव, इलेवन फोर्टी फाइव है क्या, यहाँ पर है, ठीक है, तो यहाँ पर ए नंबर लिख दो आप, ठीक है। अब ऐसे मैच करना है आपको कि क्या टाइम हो रहा है, ठीक है, तो ये सारा मैच करना है और आपको देखना है कि क्वेश्चन किस में है। अगर इस फॉर्म में दिख रहा है तो आपको ऐसी वाली नंबर से मैच करना है, और अगर जैसे कि हमने यहाँ पे ऐसा लिखा है तो एग्ज़ाम में अगर इस फॉर्म में आता है तो आपको इससे मैच करना है, ठीक है। तो दोनों ही तरीके से आपको टाइम देखना, पढ़ना और बोलना आना चाहिए। तो अब आप इसकी प्रैक्टिस करो, वॉच से पढ़ने की कोशिश करो, प्रैक्टिस करो, और मम्मा अगर टाइम पूछती हैं आपसे तो आप इस मैनर में मम्मा को भी टाइम बताओ, ठीक है। चलो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।